दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम। ओह शिट, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ ना, लोग मुझे देख रहे होते हैं मुझे पता भी नहीं चला। आफ्टर मैं हूँ इतनी सुंदर, बट क्या है मुझे सेलिब्रिटी वाली आदत डालनी पड़ेगी। ओफो, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई। मैं हूँ जैस्मिन, बॉलीवुड वाली ब्यूटी, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी अपनी सारी फेवरेट बॉलीवुड ब्यूटीज के लुक्स, उनका हेयर, उनका मेकअप, उनके ड्रेसिंग स्टाइल, एवरीथिंग। एक्चुअली वो मेरे लोखंड वाले फ्रेंड्स हैं ना, वो नेक्स्ट वीक एक पार्टी कर रहे हैं और सब इतने बड़े कॉपी कैट हैं। बॉम्बे वेलवेट आई नहीं, सबको रेट्रो थीम करनी है, रेट्रो थीम, सबको रेट्रो का भूत ही चढ़ गया। और मैं 200% गारंटी देके बोल सकती हूँ, वहाँ ना वही सब पुराना हेलेन, मुमताज और वो जीनत तमान वाला लुक करके आएंगे। लेकिन मैं जाऊँगी एकदम अलग बन के, क्योंकि ऊपर वाले ने ना मुझे एकदम ओरिजिनल पीस बनाया। इनफैक्ट मेरी फोर्थ क्लास वाली टीचर थी ना, वो भी बोलती थी जैस्मिन तू ना स्पेशल है, एकदम हटके। सिर्फ उनका ना ड्रेसिंग सेंस एक बहुत खराब था। अच्छा एनीवेज, रेट्रो थीम का आइडिया तो मेरे दिमाग में पहले से ही था, और सबके ना मुंह खुले रह जाएंगे जब मैं जाऊंगी रेट्रो जैज थीम में। और जो भी आपने मुझे सिंगिंग करते हुए देखा ना, वो मेरी प्रैक्टिस सेशन चल रही थी। वो क्या है, मैं मेथड एक्ट्रेस हूँ, और सुनने में आया अनुष्का को उस लुक के लिए रेडी होने में पूरे 4 घंटे लगते थे, लेकिन मुझे तो मम्मी से छुप छुप के मेकअप की इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना, मैं यू कर लूंगी। तो शुरू करते अनुष्का वाला रेट्रो जैज लुक। शुरू करते हैं मेकअप से। अब सबकी स्किन तो मेरी तरह फ्लॉलेस होती नहीं है ना, इसलिए आपको बेस लगाना पड़ेगा। तो एक अच्छी क्वालिटी का बेस खरीद के उसको, फिर एक अच्छा सा स्पॉन्ज लेके उसको मिक्स करना बिल्कुल हल्के हाथ से। स्किन बेबी जैसी सॉफ्ट लगनी चाहिए, सो पाउडर लगाना है ट्रांसल्यूसेंट वाला, अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद आई शेडो लगाना है, एकदम न्यूड नेचुरल सा कलर। उसके बाद थोड़ा सा हाइलाइटर, मुझे लग रहा है मैं वैसे ही इतनी सुंदर हुई मेकअप के बाद, तो पता नहीं अनुष्का भी मेरे से पीछे रहने वाली है। ओके, आई शेडो के बाद हम लगाएंगे आईलाइनर। आईलाइनर का ना थोड़ा ध्यान रखना, इनमें नोक निकालनी पड़ती है, इन इंग्लिश पॉइंटेड। और क्या, मैं तो ज्योमेट्री में बहुत अच्छी थी तो मेरी हैबिट हो गई है, परफेक्ट है ना। कोई भी डार्क ब्राउन लेके, काजल नहीं लगाना है क्योंकि रेट्रो है, हाफ आई के नीचे हल्की सी ऐसे लाइन कर लो। ओके, अब मस्कारा लगाना है मोटा मोटा, बिल्कुल मेरे भाई चिंटू जैसा। आई मिस यू चिंटू। अच्छा सर, मेरे लैशेस तो वैसे नेचुरली बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा नीचे भी लगा सकते हो, पर ध्यान रखना फेस पे नहीं आए। और अब चीक बोन थोड़ी हाईलाइट करने के लिए हम थोड़ा सा ब्रोंजर लगा लेंगे मुंह ऐसे करके। ब्लश ऑन अनुष्का जैसे रोजी रोजी चीक्स के लिए। अब लिपस्टिक, अब रेट्रो लुक है तो एकदम चटाक रेड तो बनती है ना, तो पहले लिप लाइन कर लेते हैं। एक बात की तो गारंटी है, मेरे लिप्स अनुष्का के लिप्स से बेटर है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट बड़े अमेजिंग है। अपने बालों को अच्छे से ब्रश कर लो, कोई गांठ फांठ नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। कितने सिल्की लग रहे हैं ना मेरे बाल। इसके बाद एक टेल कोम जिसके पीछे से पॉइंटेड होता है। ओके, उसके बाद अपनी पार्टीशन कर लो जो भी आपके फेस को सूट करती है। पीछे के बालों को कोम करके टेल कोम के पीछे वाले पार्ट से एक पार्टीशन उठाओ ऐसे,
उसके बाद उसमें बैक कॉम्बिंग करनी है ऐसे ऐसे, मतलब कि गिठाने डालनी है जिससे थोड़ा बाउंस आ जाए। और अब वो गिठाने टिकी रहे उसके लिए थोड़ा स्प्रे डाल लो। ऐसे ट्विस्ट कर लो, उसको ट्विस्ट करके एक हेयरपिन लगा ताकि वो वहां सेट रहे। फिर अपने सारे बाल एक साइड करके ऐसे दो पार्ट कर लो। फिर रस्सी की तरह क्रिस क्रॉस क्रॉस करके ऐसे बन बना लो और फिर अच्छी क्वालिटी की पिन से सेट कर लो। मेरे तो क्या है, दो चार में ना सेट हो जाते हैं। आपको अगर ज्यादा लगे तो लगा लेना, शायद मैं फील करता। तो ये हो गया हमारा मैसी बन। उसके बाद अगर आपके मेरे जैसे कुछ फ्रिंजेस हैं तो उनको हल्का सा ऐसे कर। अब अनुष्का और मेरा लुक तो सेम ही है, तो मैं इसको कंप्लीट करने के लिए फ्लावर लगा लेती हूँ। वो क्या है, घर पे तो मैं ना चड्डा अंकल के लॉन से तोड़ के ले आती थी, बट अब यहाँ बॉम्बे में कहाँ मिलेगा, तो मैंने ये वाले खरीद लिए। ओएमजी, ओ माय गॉड, तो जैस्मिन में ना जैस तो पहले से ही था, बट आज तो माता रानी की कसम मैं इतनी फैंटास्टिक लग रही हूँ। आफ्टरऑल मैं हूं ना अपनी फेवरेट एंड वन एंड ओनली बॉलीवुड वाली ब्यूटी। सो नाउ टाइम फॉर द ड्रेस। ड्रेस ना एकदम हॉट एंड चमकीली होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं हो तो अपने दर्जी से सिलवा लो, मेरा तो ना लोखंड वाला में पर्सनल है, सारे स्टार्स की फिटिंग भी वही करता है। वैसे तो मेरा फ्रैंक नेचर आपको पसंद आया ही होगा और आवाज़ मेरी गॉड गिफ्टेड अच्छी है ही। सो टू वॉच मी मोर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई शो बॉलीवुड वाली ब्यूटी।